चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार देर शाम अचानक खराब हो गई। जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें तुरंत निगरानी में लिया और उनके इलाज में जुट गए। लालू यादव की तबीयत की जानकारी मिलते ही रिम्स के अधीक्षक भी हॉस्पिटल पहुँच गए। वहीं इलाज के कुछ वक्त बाद उनकी स्थिति में सुधार आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव का कोविड टेस्ट भी किया गया, जो निगेटिव आया। बता दें, लालू प्रसाद यादव को 23 दिसंबर 2017 को जेल भेजा गया था। उनको करीब एक महीना पहले 3 साल पूरा हो गया सजा काटते हुए। वे पिछले 2.5 साल से रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। इलाज के दौरान उनका कोविड 19 ECG, इको, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एक्सरे समेत कई जाँच की गई। एक्सरे में छाती में थोड़ा इन्फेक्शन दिखा। रात 10 बजे के बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार आया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी रिम्स पहुंचकर लालू यादव का हाल जाना।